सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी? तो अभी मैं आया हूँ राजस्थान के जयपुर सिटी में और यहाँ मैं आया हूँ SMS स्टेडियम यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में। यहाँ पे खासकर क्रिकेट का मैच खेला जाता है और भी पता नहीं कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, वो मुझे नॉलेज नहीं है, बट मुझे इतना ही मालूम है यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। तो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड किया था बिरला मंदिर का, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए भाई हमें SMS स्टेडियम दिखाओ। तो अभी मैं SMS स्टेडियम पहुँचा हूँ, तो पहले मैं आपको यहाँ का बाहर का सीन दिखा देता हूँ। और ये आप जस्ट सामने जो देख रहे हैं ये विधानसभा है और इधर ये है वित्त भवन, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट पास में ये है SMS स्टेडियम, यहाँ का मेन गेट है ये। तो अभी हम यहाँ से अंदर चलेंगे और यहाँ से जब एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये देखिए दीवार में वहाँ तक लगे हुए हैं पोस्टर। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी वगैरह और काफ़ी सारे पोस्ट लगे हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और आगे भी लगे हुए हैं इधर। ये देखिए यहाँ पे भी दिख नहीं रहे हैं भाई, यहाँ पे बाहर शीशा लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पोस्ट और यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ अवर पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो ये देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही, यहाँ पे रेगिस्तान है और कुछ आर्मी के सिपाही खड़े हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सामरिक शस्त्र और ये देखिए मिसाइल वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे पोस्टर्स वहाँ तक। और देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा सीन और यहाँ पे हवाई जहाज़ रखे हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ पे भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, ये और ये देखिए थल सेना, गन मशीन रखी हुई है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये मेन गेट है अंदर जाने का। और लास्ट में मैं आपको ये दिखा देता हूँ राजस्थान के महानायक, वार हीरोज ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ से। और देखिए इधर से ये इसका ऐसा नज़ारा है, ये देखिए अभी बाहर से ही चल रहा है भाई, अंदर तो जाने वाले भी हम। ये अभी हमने स्टेडियम के अंदर एंट्री ले ली है और अभी हम अंदर ही चल रहे हैं और यहाँ पे भी लिखा हुआ है सवाई मानसिंह स्टेडियम। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई नहीं दिख रहा है अभी, तो अभी दिख रहा है सवाई मानसिंह स्टेडियम। अभी हम देखते हैं किधर चलना है, राइट चलना है या लेफ्ट चलना है। तो अभी मैंने आपको जो गेट दिखाया उससे एंट्री नहीं थी, बोल रहे थे गार्ड साहब 6 नंबर गेट से एंट्री लेनी है। देखिए यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं स्टेडियम की, यहीं है पास में स्टेडियम, तो देखते हैं कहाँ है 6 नंबर गेट और फिर चलते हैं अंदर। और अभी हमने जो 6 नंबर वाला गेट था उससे भी एंट्री ले ली है, ये है 6 नंबर गेट और इधर है स्टेडियम, ये आप देख सकते हैं अंदर।
अभी हम निकलने वाले थे बाहर स्टेडियम का, हमने आपको पूरा सीन दिखा दिया था, बट ये इसका सेकंड वाला गेट है इधर साइड में, आप रोड देख रहे हैं। तो वहाँ पे गार्ड साहब बैठे थे, उन्होंने मना कर दिया निकालने से, बोले आप जहाँ से आए हो जिस गेट से, मेन गेट से, आपको वहीं से निकलना होगा, क्योंकि ये गेट जो है 10 बजे तक खुला रहता है, 10 बजे के बाद अगर आप बाहर निकलते तो मेन गेट से ही निकलना होगा। तो भाई काफ़ी तेज़ धूप है और अभी मेन गेट पर ही हमें जाना पड़ेगा, वहीं से निकलेंगे। और देखिए यहाँ पे वो एरिया है जहाँ पे जो बच्चे लोग हैं तैयारी करते हैं क्रिकेट की, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल। और अभी हम स्टेडियम से बाहर निकल लिए हैं, हालांकि हम मेन गेट से अभी भी नहीं आए हैं। यहाँ पे एक गेट और बना हुआ है यहाँ पे, हालांकि दोनों गेट बंद हैं, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी पर खुलते हैं, और शायद तब भी खुलते होंगे जब यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, फिर कोई भी खेल होता है तब खुलते होंगे शायद ये, बट अभी हम यहीं से निकले हैं। ये है मेरे साथ प्रमोद, तो प्रमोद बता रहा था यहाँ पे लास्ट टाइम ये 26 जनवरी को आया था, तो बोल रहा था हम इसी से, हमने एंट्री ली थी गेट से, यहीं से हम गए थे। तो अभी हम निकलते हैं, और ये देखिए ये जो रोड है यहाँ पे साधन जा रहे हैं इधर, तो ये रोड जा रहा है इधर सीधा बैंस गोदाम की तरफ जा रहा है ये, और आगे से स्टेडियम के लिए रास्ता है। सो भी इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई। सो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।